हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। मगर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थॉर्मस पढ़ेंगे। थॉर्मस और कुछ जो हमें उस एक्सरसाइज में ज़रूरत है वो हम पहले ही डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमें ज़्यादा थॉर्मस और प्रूफ्स के रिलेटेड पढ़ने, जैसे कि रूट टू इज़ इरेशनल नंबर, रूट फाइव इज़ इरेशनल नंबर, ऐसे रिजल्ट हमें आज पढ़ने हैं। सो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वी स्टार्ट आवर वीडियो। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे आज को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं? ठीक है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनको एच सी एफ वन होगा, मतलब जिनको कॉमन फैक्टर वन होगा। एच सी एफ ए एंड बी आर सेट टू बी को प्राइम, ए एंड बी आर सेट टू बी को प्राइम इफ एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू वन। अगर ए और बी का एच सी एफ वन होगा, दैट मीन्स हम उन नंबर्स को हम कहेंगे, ए और बी कहेंगे, ये को प्राइम नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर टू एंड थ्री, ठीक है, टू और थ्री इनका क्या है एच सी एफ? इनको एच सी एफ है वन, मतलब इनको कॉमन फैक्टर जो है वन। फिर कॉमन फैक्टर ए के वन आएगा, दैट फिर वो बड़ा हो गया छोटा हो तो उससे कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसका एच सी एफ वन है, दैट मीन्स इनका एच सी एफ है वन। दैट मीन्स टू एंड थ्री आर को प्राइम नंबर्स। ऐसे फोर नाइन, ठीक है, फोर और नाइन ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे जो भी नंबर्स हैं जिनका एच सी एफ वन है, दैट मीन्स वो नंबर्स हैं को प्राइम नंबर्स हैं। और हमने क्या पढ़ा था? हमने ऑलरेडी एक बात पढ़ी थी, वो है रैशनल नंबर्स। मैंने आपको बोला था रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे। बट जो पी और के वो तो एक तो इंटीजर है, और जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको वहां बोला था। बट यहाँ आप और एक प्रॉपर्टी ऐड करो कि जो क्यू पी और क्यू होते हैं, ये होते हैं दोनों को प्राइम नंबर्स। ठीक है, पी एंड क्यू जो होते हैं ये होते हैं को प्राइम, ये एक आप ऐड करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता था मतलब यही 4/9, मतलब 20/, आप कुछ भी लोग 20/15 लो। ठीक है, आप बोलोगे 20 और 15, 20 और 15 इनका तो जी सी डी वन है। आप उसको ऐसे लिख सकते हो ना, इसको कट कर सकते हो, दैट इज 5 3s are 5 4, दैट इज 4/3। ठीक है, आया 4/3, 4 और 3 इनका जी क्या है, एच सी एफ क्या है, इनका वन है। दैट मीन्स 4 और 3 को प्राइम नंबर्स है। ऐसे आप कुछ भी लो, फॉर एग्जाम्पल आप ले लोगे 30/, फॉर एग्जाम्पल 10। ठीक है, दैट मीन्स आप इसको क्या करोगे, आप इसको 10 1s are 10 3s are, दैट मीन्स 3/1, और 3 और 1 का इनका क्या है एच सी एफ, वो भी है 1। ऐसे आप कुछ और, या आपने सुना होगा, ये आपने अक्सर सुनी होगी 27 22/7, पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, जो यहाँ ये नोट करने के बाद, जो पाई है, पाई तो इरेशनल नंबर है, मगर जो 22/7 है ये इरेशनल नंबर है, ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, ये बात नोट करके रखो। और जो है 22/7 ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, ये पी बाई क्यू, और जो पी और क्यू यहाँ 22 और 7 है, ये क्या है, ये बोथ को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, हम उसके बाद अब पढ़ेंगे थ्योरम। थ्योरम क्या है? थ्योरम है लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड इज ए, यहाँ ए स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर है, इफ पी डिवाइड इज ए स्क्वायर देन पी डिवाइड इज ए, वायर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो हम इसका प्रूफ लेंगे, थ्योरम का प्रूफ होता है, प्रूफ, उसको प्रूफ करेंगे। और गिवन क्या है, पहले हम देखेंगे गिवन क्या है और फिर देखेंगे प्रूफ क्या हमें करना है। गिवन, गिवन हमें दिया है पी बी ए प्राइम नंबर, पी तो प्राइम नंबर है, और पी डिवाइड इज ए स्क्वायर। जब पी डिवाइड ए स्क्वायर, तो हम ऐसे कह सकते हैं पी इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पी तो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर, दैट मीन्स पी फैक्टर है। और हमें गिवन भी है पी इज ए प्राइम, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं पी इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। सो गिवन है पी इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, मेरा गिवन है। और प्रूव क्या हमें करना है, प्रूव हमें करना है पी डिवाइड से। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है पी डिवाइड
से, ठीक है। मगर जो है पी ए सॉरी जो ए है ये क्या है, ए है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हम ए कर सकते हैं, हम ए लेंगे, ए हम एज्यूम करेंगे कि ए इज अ कंपोज नंबर, क्योंकि कंपोज नंबर वो एक पार्ट है पॉजिटिव नंबर का। सो हम इसका प्रूफ लेंगे, एज्यूम दैट पी इज अ सॉरी ए ए इज अ कंपोज नंबर, ए इज कंपोज्ड नंबर। अगर एक कंपोज नंबर है देन वाई फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम किसी भी कंपोज नंबर को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। दैट मीन्स हम ए को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, फॉर एग्जाम्पल प्राइम है पी वन मल्टीप्लाइड बाई पी टू पी थ्री सॉरी पी थ्री ऐसे सो वन अप टू पी एन, मतलब हम एन फैक्टर्स में एम एन प्राइमेस में इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम ए को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइमेस बाय, हम इसको यहाँ रीजन लिखना है, हर एक चीज लिखनी है एग्जाम में जो भी आप करोगे, बाय फंडामेंटल मेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, आपने लिखा ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप इसके बाद करोगे स्कैरिंग, स्कैरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब आप स्क्वायरिंग करोगे आपको क्या मिलेगा, वी गेट आपको मिलेगा इसको भी होगा यहाँ स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर, पी वन पी टू पी टू पी थ्री अप टू पी एन होल इसका फिर स्क्वायर है, ठीक है। हम लिखेंगे इस नेक्स्ट पेज में, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन मल्टीप्लाई बाई पी टू मल्टीप्लाइड बाई पी थ्री अप टू सो वन टू पी एन होल स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या, दैट मीन्स हम इसको दो बार लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर है दैट हम इसको दो बार लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वन मल्टीप्लाइड बाई पी टू पी थ्री टू पी एन एक दो बार पी वन पी टू टू पी एन। अगर आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करो दैट मीन्स आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट में स्क्वायर हो होल स्क्वायर हो, प्रोडक्ट हर किसी टर्म में आता है, आप इसको ऐसे लिख लो पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर पी थ्री स्क्वायर पी एन स्क्वायर, फिर आप ऐसे इसको अलग अलग कर सकते हो पी वन पी टू अलग को पी फिर पी टू पी पी टू पी टू दो बार पी 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 थ्री पी थ्री दो बार ऐसे ही फिर उसको अलग अलग लिख सकते हो पी वन मल्टीप्लाई पी टू पी थ्री पी एन और फिर और एक बार पी वन पी टू पी एन, ठीक है आपको पी एन, ठीक है ये फिर से वही ऊपर का वापस आएगा। दैट मीन्स आपको मिला ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स आपने ए स्क्वायर को लिखा है फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। दैट मीन्स आपने ए स्क्वायर को दैट मीन्स जो ए ये है पी वन पी टू पी थ्री ये ए स्क्वायर के फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, बट जो आपने ऑलरेडी गिवन लिया है गिवन क्या था गिवन था पी इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, मगर प्राइम फैक्टर्स ए स्क्वायर क्या है वो ये है सारे प्राइम फैक्टर्स ए स्क्वायर क्या ये है, दैट मीन जो ये पी है ये भी इन्हीं में से कोई प्राइम फैक्टर होगा, ओके दी दैट मीन सो पी शुड बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। वो तो दैट इज वो तो या होगा पी वन या तो पी टू या तो पी थ्री अप टू या तो पी एन, इन्हीं में से कोई होगा, दैट इज इट मे बी पी वन या तो पी वन होगा या पी टू होगा और पी टू और पी थ्री या सो वन ऐसे और या पी एन, इन्हीं में से फिर ये कोई होगा। अगर ये इन्हीं में से कोई होगा दैट मीन्स हमने पी ए क्या है ए को हमने कैसे लिखा ए में लिखा था ए इज इक्वल टू पी वन पी टू अप टू पी एन,
और ये भी यही है जो इसमें है ना, पी वन पी टू पी एन अप टू पी एन, ये इसमें भी है ना, ए भी हमने लिखा था ना पी वन मल्टीप्लाई पी टू मल्टीप्लाई अप टू पी एन, इसमें भी हमने यही भी चीज लिखे थे। दैट मीन्स जब पी इन्हीं में से कोई है, पी इसका प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर, दैट मीन्स पी प्राइम फैक्टर होगा फिर ए का, है ना, कि क्योंकि वो ए ए तो पी तो प्राइम फैक्टर है, वो तो इन्हीं में से है, दैट मीन्स इन्हीं में से कोई फिर इसको डिवाइड करो, दैट मीन्स पी डिवाइड ए। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे पी इज ए, दैट देयर पी इज ए, देयर फोर पी इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर ऑफ ए, है ना, जब ए का प्राइम फैक्टर, दैट मीन्स पी डिवाइड से, क्योंकि जब प्राइम फैक्टर है दैट मीन्स वो ए को डिवाइड कर रहा होगा, दैट मीन्स पी इज पी डिवाइड ए, है ना, प्रूव हुआ हमें। आपको क्या करना था प्रूव, आपको यही करना था प्रूव, आप देखो आपको प्रूव क्या करना था, आपको यही था, दैट मीन्स आपको था गिवन लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी डिवाइड ए स्क्वायर, आपको दिखाना था पी डिवाइड ए, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करना है दैट मीन्स वो ए को डिवाइड करना, आपने वही दिखाया, आपने दिखाया पी डिवाइड ए। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज पे, उसमें क्वेश्चन हम इसको क्वेश्चन लेंगे, रूट फाइव इज ए इरेशनल हमें प्रूव करेंगे, हमें जो अभी तक हमने पढ़ा है अब उसी की मदद से आप इसको प्रूव करेंगे, वही चीज़ें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसको प्रूव करेंगे, प्रूव जो इसको हम प्रूव करेंगे, इसको हम करेंगे प्रूव बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करेंगे, दैट मीन्स हम इसको कैसे करते हैं, इस मेथड में हम कैसे काम करते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ प्रूव करना है, आप वो पहले बोल दो ये सही नहीं है, मतलब आप उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब जो वो ठीक है आप उस पहले ही गलत साबित कर रहे हो, दैट मीन्स आप पहले एज्यूम करते हैं ये ऐसा नहीं है, जब आप करते हो एज्यूम ऐसा नहीं है, फिर आपको कुछ ना कुछ फिर लास्ट में मिलता है जो कि आपने जो कि मतलब पहले जो आपने एज्यूम किया था उससे नहीं मिलता है, उसको कंट्राडिक्ट करता है, फिर आप बोलते हो ये नहीं है, जो असली वाला जो है वो इसका उल्टा है। ठीक है, आप उसको इसमें आप ऐसे करो, दैट मीन आप एरर को प्रूव करना है रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, आप क्या करोगे, आप पहले एज्यूम करोगे, आप पहले मानोगे रूट फाइव इज रैशनल नंबर, अब फिर आपको कुछ ना कुछ कंट्राडिक्ट वहाँ आएगा जिससे फिर आप बोलोगे कि रूट फाइव हमने प्रूव जो किया था वो गलत था, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, सो हम इसको ऐसे ही प्रूव करेंगे रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। सो हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे एज्यूम रूट फाइव इज रैशनल नंबर, हम पहले सपोज करेंगे रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, सो एज्यूम क्या आप लिखो, सपोज पहले सपोज करोगे, सपोज रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर रूट फाइव रैशनल नंबर, इसका मतलब है दैट मीन रूट फाइव को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, रूट फाइव होगा फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में, मगर जो मैंने अभी आपको बोला पी और क्यू क्या है, पी और क्यू ये दोनों हैं को प्राइम्स। ठीक है, वायर ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी लिखना है, यही फिर हमें लास्ट में कंट्राडिक्शन आएगी। ठीक है, वायर पी एंड क्यू आर कंपोजिट, सॉरी को प्राइम्स, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स दैट मीन्स इनका जो होगा एचसीएफ वो उनका वन होगा। ठीक है, अब हम काम करेंगे, अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, बोथ साइड दैट मीन्स रूट फाइव स्क्वायर, फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो, दैट मीन्स आएगा फाइव, फाइव इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई, हमें क्या मिला, फाइव इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे काम, हम इसका यहाँ पी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से पी स्क्वायर में बराबर आएगा फाइव क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर आपको आया फाइव क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स जो फाइव है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स फाइव डिवाइड पी स्क्वायर। ठीक है,
जब फाइव करना है डिवाइड पी स्क्वायर, आपने अभी एक थ्योरम, अब अभी आपने एक चीज पढ़ी है, एक थ्योरम जब मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई उसमें आपने पढ़ा है, अगर पी ए पी करना है डिवाइड पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए आल्सो, ठीक है, ये आपने अभी प्रूव किया थ्योरम में दैट यहाँ फाइव पी के बदले क्या है फाइव, फाइव डिवाइड पी स्क्वायर, यहाँ फिर क्या आएगा दैट मीन्स फाइव डिवाइड पी है ना, दैट इज आप लिखो देन फाइव डिवाइड पी, ठीक है, जब फाइव पी को डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स हम फाइव को लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू, या सॉरी पी इज इक्वल टू फाइव एम, ठीक है, फाइव डिवाइड कर रहे हैं किसको पी को, दैट मीन्स पी को हम लिख सकते हैं फाइव एम, दैट इज फाइव मल्टीप्लाई सम इंटीजर वायर एम इज सम इंटीजर, वायर एम इज सम इंटीजर, ठीक है, ये आप नोट करके रखो, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे, यहाँ जगह मैं आपको यहाँ लिखूंगा। अब इसको इसके बाद आप फिर से यहाँ स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है, अब स्क्वायरिंग फिर आप यहाँ लिखोगे, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एम, सॉरी फाइव एम, हाँ फाइव एम होल स्क्वायर, ठीक है, आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर, मगर पी स्क्वायर किसके बराबर आपको है, पी स्क्वायर यहाँ आपने निकाला पी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव क्यू स्क्वायर, दैट आप पी स्क्वायर के बदले यहाँ पुट करोगे फाइव क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर, तो यहाँ फाइव से कटेगा दैट मीन्स क्यू स्क्वायर आएगा फाइव एम स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब क्या है दैट इज फाइव, इसका मतलब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एम स्क्वायर, इसका मतलब है फाइव क्यू को क्यू स्क्वायर को डिवाइड करें, दैट मीन्स फाइव डिवाइड इज क्यू स्क्वायर, बाई सेम रीजन जो आपने यहाँ दिखा, जब पी कर रहे हैं डिवाइड ए स्क्वायर देन पी कर रहे हैं डिवाइड ए को भी यहाँ पी, फिर जब फाइव कर रहे हैं डिवाइड क्यू स्क्वायर को भी, दैट इसका मतलब यह है फाइव फिर करेगा डिवाइड क्यू को, जो आपने अभी थोड़ा प्रूव करी उसी उसी से, दैट इज फाइव डिवाइड क्यू, ये भी आप नोट करो, ठीक है, आपने क्या है दिखा, यहाँ आपको आया फाइव डिवाइड पी, यहाँ आपको क्या आया, यहाँ आपको डिवाइड फाइव डिवाइड क्यू, इसका मतलब है दैट इज फाइव दोनों को डिवाइड करा, दैट इज फाइव डिवाइड पी एंड फाइव डिवाइड क्यू, जब फाइव दो को डिवाइड करा, मगर आपने ऊपर क्या दिखाया पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हैं, जब पी और क्यू को प्राइम है इसका मतलब है उनका एच सी एफ, उनका कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा सिर्फ वन, जब उनका कॉमन फैक्टर वन होगा फिर उसका आपको आया इसको फाइव है, दैट मीन्स ये तो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आपने दिखाया आपने अज्यूम किया वो को प्राइम है, आपको क्या है इनका कॉमन फैक्टर फाइव है, दैट मीन्स पी और क्यू को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो इट कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, जो आपने ऊपर ऊपर सपोज किया, इट कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, सो आप फिर क्या लिखोगे दैट मीन्स फाइव इज ए रैशनल नंबर, जब आपने प्रूव किया आपने अज्यूम किया था ऊपर सपोज किया था फाइव इज ए रैशनल नंबर, मगर आपको फिर नीचे क्या आई कंट्राडिक्शन, दैट मीन्स फाइव इज ए रैशनल नंबर, आप फिर नीचे लिखोगे फाइव इज एन इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर टू पे हम जाएंगे, आपको क्या करना है आपको प्रूव करना है थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, सो आप सेम वही करोगे बाय कंट्राडक्शन मेथड, आप क्या करोगे सपोज गुड सपोज या इज्यूम 3 प्लस टू रूट फाइव इज रैशनल, आप सपोज करोगे रैशनल है, अगर रैशनल है तो इसका मतलब क्या है आप इसको लिख सकते हो p बाई क्यू के में, दैट मीन्स 3 प्लस टू रूट फाइव इज इक्वल टू p बाई क्यू, ठीक है, दैट मीन्स आपको आएगा 2 रूट फाइव, इस 3 को आप यहाँ लोगे दैट मीन्स p बाई क्यू माइनस 3, ठीक है,
सो ये आपको आया बराबर टू रूट फाइव इज इक्वल टू पी माइनस थ्री क्यू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप थ्री क्यू डिवाइड बाई क्यू। सो यहाँ टू है, दैट मीन्स आप टू इस दो साइड डिवाइड करोगे, दैट मीन्स आपको आएगा रूट फाइव इज इक्वल टू पी माइनस थ्री क्यू डिवाइड बाई टू क्यू। ठीक है, पी भी आप पी पी क्या है, पी भी इंटीजर है, आपको आपने यहाँ लिखा था थ्री प्लस टू टू रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी पी और क्यू क्या है, वो इंटीजर्स हैं, दैट मीन्स पी आपको इंटीजर है, थ्री भी आपको इंटीजर है, क्यू भी आपको इंटीजर है, फिर इनका डिफरेंस है मतलब माइनस है, तो वो फिर से इंटीजर आएगा, और फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल वो क्यू डैश आया आपको, और टू भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है, दैट मीन्स आप इसको लिखोगे यहाँ पी डैश लिखोगे या क्यू डैश लिखोगे, दैट मीन्स आपको ये भी इंटीजर एक है, ये भी इंटीजर एक है, दैट मीन्स आपको रूट फाइव आपका आया पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, जब आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको आएगा रूट फाइव, बार रूट फाइव आपने अभी क्या प्रूव किया है, रूट फाइव इरेशनल नंबर, दैट मीन्स आपको इरेशनल नंबर आया बराबर, रेशनल नंबर आपको आया बराबर रेशनल नंबर को, विच इज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इरेशनल नंबर रेशनल नंबर को, कभी नहीं हो सकता, दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। दैट मीन्स आवर सब जो आपने सपोज किया था रूट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रैशनल नंबर, दैट मीन्स ये रॉन्ग है, अब क्योंकि आवर सपोजन इज आवर या आपने एज्यूम किया दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, दैट इज देयरफॉर थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रैशनल। ठीक है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ आपको क्या करना है, ये भी आपको सेम ही क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है ये इरेशनल नंबर है, सेम जो मैंने आपके अभी तक आपको बोला सेम सबके सब क्वेश्चन में वही करना है। चलो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन से सोल्यूशन, पहला पार्ट आपको जो है वो है वन बाई रूट टू। ठीक है, आपको प्रूव करना है ये रैशनल है। सो आप क्या करोगे, आप पहले करोगे एज्यूम एज्यूम वन बाई रूट टू इज रैशनल, जब ये रैशनल है तो आप इसको लिख सकते हो वन बाई रूट टू एज ए पी बाई टू के फॉर्म में, दैट मीन्स आपको यहाँ आएगा रूट टू इज इक्वल टू क्यू बाई पी। ठीक है, आप इसको उल्टा करोगे रिस्पो का, आपका रूट टू यहाँ का आएगा क्यू बाई पी, उल्टा होगा यहाँ, दैट मीन्स आपको आपने लिखा रूट टू, रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, आपने इरेशनल को लिखा है पी बाई क्यू के फॉर्म में, दैट मीन्स ये पी क्यू भी है ना इंटीजर और पी भी इंटीजर है, ये फिर भी पी बाई क्यू के फॉर्म है, दैट मीन्स आपने लिखा रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म, दैट मीन्स आपने लिखा रूट टू को रैशनल नंबर, दैट मीन्स रूट टू इरेशनल, दैट आपने लिखा इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, अगेन विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स इट इज आवर आवर एजम्पशन जो आपने एज्यूम किया ऊपर वो रॉन्ग है, दैट मीन्स रूट वन बाई रूट टू इज ए रैशनल नंबर। सेम वैसे की वैसे क्वेश्चन ये भी है, और पार्ट थ्री में दिखाऊंगा सिक्स प्लस रूट टू, आप करोगे एज्यूम सेम वैसे सिक्स प्लस रूट टू इज रैशनल। अगर ये रैशनल है दैट मीन्स सिक्स प्लस रूट टू को आप लिख सकते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, फिर यहाँ से रूट टू आपको आएगा पी बाई क्यू माइनस सिक्स, आप इसको लिख सकते हो पी बाई पी माइनस सिक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू, दैट मीन्स ये आपको ऊपर फिर से इंटीजर आएगा, फिर से इंटीजर आएगा, दैट मीन्स अगेन फिर से पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, दैट मीन्स रूट टू इज इक्वल टू रैशनल, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होता है वो तो रैशनल नंबर है, दैट आपको रूट टू आएगा रैशनल नंबर, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर सिक्स पर रूट टू इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे,
अब जो है हमारा टॉपिक वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये हमने पहले जो वीडियो हमने बनाया था, पहले लेक्चर जो है हमारा, उसमें हमने ही पढ़ाया था। अब हम आज फिर से ही पढ़ाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें मैं कोई एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल होगा, 17 बाई 5। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दैट मीन्स हमें 17 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो 5 थ्री ज़ा 15, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 2 आएगा, दैट मीन्स 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स जब आपने 5 डिवाइड 17 को किया डिवाइड 5 से, आपको क्या आया, 3.4। दैट मीन्स आपको डेसिमल आया, फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट आपको आया, फिर ये खत्म हुआ नंबर, टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट मतलब खत्म हुआ ये नंबर। दैट मीन्स ये नंबर जो है इसको हम लोग कहेंगे ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है। दैट मीन्स जो नंबर टर्मिनेट होगा, आप यहाँ लिखोगे टर्मिनेट्स आफ्टर सर्टन डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आपने ये लिखा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स में, आपने ये लिखा। और एक प्रॉपर्टीज में होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बोलूंगा, 10 बाई 3, दैट मीन्स आपको 10 को डिवाइड करना है किसे, 3 से। तो किसे, 3 3 ज़ा 9, यहाँ आएगा 1 आपको, दैट मीन्स यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ आएगा 0, दैट मीन्स 3 3 ज़ा 9, यहाँ आपको फिर से 1 आएगा, फिर आप 0 आएगा, दैट यहाँ से 0 आएगा, दैट मीन्स 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से फिर 1 आएगा, फिर से रिमाइंडर, सॉरी, यहाँ से, हाँ यहाँ से 1 आएगा रिमाइंडर, ये फिर से ऐसे आएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। और फिर इसको लिखते हो 3.3 बार, जो ये बार आपने ऊपर लिखा है, दैट मीन्स ये नंबर रिपीट होता जा रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। दैट में जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को भी हम कहते हैं ये रैशनल नंबर्स हैं, ये नंबर भी रैशनल, दैट मीन्स आप लिखोगे और नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ही नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स जो ये इस टाइप के होंगे नंबर्स हैं, एक तो टर्मिनेट होंगे आफ्टर सर्टेन डेसिमल एक्सपेंशन, या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उन नंबर्स को हम कहेंगे ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। दैट जब भी आपको कोई नंबर पॉइंट्स में दिया होगा, डेसिमल में दिया होगा, आप उसको पहचान सकते हो कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम जाएंगे थ्योरम पे, ठीक है। अब थ्योरम है, थ्योरम हमसे क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है एक्स, ठीक है, अगर रैशनल नंबर है, दैट मीन ये होगा पी बाई क्यू के फॉर्म है, ये बोल रहे हैं, अगर जो इसको क्यू होगा उसके फैक्टर्स होंगे 2 रेज पावर m, 2 रेज पावर n, 5 रेज पावर m के फॉर्म, अगर क्यू के फैक्टर, अब क्यू इसके इस फॉर्म में होगा, दैट मीन्स जो वो नंबर होगा रेशनल नंबर वो टर्मिनेट होता होगा, ठीक है। यहाँ ये 2 रेज पावर n, 5 रेज पावर m है, ठीक है, मगर जो n और m है ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है, नॉन नेगेटिव मीनस दैट मीन्स जिनमें 0 आता होगा, 1 आता होगा, 2, ऐसी है, जो नेगेटिव ना हो, वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। और जो यहाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में है ये नंबर, अगर इसका डिनोमिनेटर 2 रेज पावर n, 5 रेज पावर m के फॉर्म में होगा और इसके बगैर कोई फैक्टर नहीं होगा, दैट मीन जो ये नंबर है ये टर्मिनेट होता होगा। रैशनल नंबर्स की हमें दो फॉर्म है, एक तो वो नंबर जो टर्मिनेट होते होंगे उनको भी बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और वो नंबर्स जो टर्मिनेट ना होते होंगे बट वो रिपीटिंग होते होंगे, उन नंबर्स को भी हम बोलते हैं ये रैशनल नंबर्स है। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू फील दूंगा आपको। देखो, अगर हमारे आप लोग कोई टर्मिनेटिंग नंबर जो टर्मिनेट हो, फॉर एग्जाम्पल 2 5 1 4 पॉइंट 2 5 2 5 पॉइंट 1 4, आपने ये नंबर लिया, ये टर्मिनेट होता है, ठीक है, होता है ना। पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, दो प्लेस, दैट मीन्स ये आफ्टर टू प्लेस ये टर्मिनेट होता है। आप इसको करोगे काम, आपको इसको आप लाना है इस फॉर्म में, ठीक है। आप क्या करोगे काम, आप करोगे काम, आप इसको जब डेसिमल हटाना है तो इसको ये आएगा डिवाइड बाई 100, डेसिमल के बाद दो प्लेस हैं, दैट मीन्स को डिनोमिनेटर में आएंगे 2 ज़ीरोस, ठीक है। तो आप जो हैंड राइट है इसको आप करोगे काम, इसको आप लिख सकते हो
टेन रेज पावर टू है ना, टेन रेज पावर टू उसको लिख सकते हो। अब इसको टेन की फैक्टर वो क्या क्या है, टू और फाइव, आप इसको लिख सकते हो टू मल्टीप्लाई फाइव है ना, ठीक है। दैट आप लिखोगे टू मल्टीप्लाई फाइव पावर टू, ठीक है। तो आपने लिखा टेन को टू मल्टीप्लाई फाइव पावर टू, दैट मीन फिर से आ रहा, फिर से करोगे मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव पावर टू, ये फिर से आएगा टेन रेज पावर टू वापस, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो अब फाइव टू फाइव वन फोर डेसिमल खत्म हुआ डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको आप इंडिविजुअली देख सकते हो, दैट मीन्स ये बनेगा टू फाइव वन फोर और टू स्क्वायर फाइव स्क्वायर, दैट मीन्स ये किस फॉर्म में आया, ये टू रेज पावर एन फाइव रेज पावर एम के फॉर्म है, एन है यहाँ टू और एम है यहाँ टू, ठीक है। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये टर्मिनेट होता है, आपने पहले लिया ये टर्मिनेट होता है टू फाइव टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन फोर, आपने ये नंबर लिया है ये टर्मिनेट होता है, और ये किस फॉर्म में आया टू फाइव वन फोर डिवाइड बाई टू रेज पावर टू इंटू फाइव रेज पावर टू, दैट जो जिसका डिनोमेटर आया वो है टी रेज पावर टू रेज पावर एन फाइव रेज पावर एम के फॉर्म है, ठीक है। अब हम इसके बाद और एक बार लिए, अब जो अभी आपने बोला ये नंबर ये टर्मिनेट होता है अगर इस फॉर्म में आया, अगर आप इस फॉर्म में नहीं आया और वो रेशनल नंबर होगा दैट मीन्स वो फिर होगा जो नंबर होगा वहाँ वो होगा रिपीट टर्मिनेटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। दैट मीन्स अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा अब कोई रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर ये नहीं होगा दैट मीन्स वो फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब हम इसके बाद इसके इस पे एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.4 ये क्या बोल रहे हैं, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, लॉन्ग डिविजन के बगैर ही आपको क्या करना है, आपको जो ये यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं ये बोल रहे हैं जो ये टर्मिनेट होते हैं, दैट मीन्स रेशनल नंबर्स वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, आपको ये लॉन्ग डिविजन के बगैर ही आपको बोलना है ये डेसिमल एक्सप्रेशन इसकी जो है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आप इसको पहला क्वेश्चन करोगे पार्ट फर्स्ट इसका करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 13 डिवाइड बाई 3125, आपको क्या करना है आपको सिर्फ डिनोमीटर देखना है पहले, ठीक है। ऊपर इसको प्राइम नंबर है इसको कुछ नहीं करोगे, जो नीचे डिनोमीटर्स का है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। आप करोगे इसको 3125 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। वो क्या आएंगे किससे होगा, 5 से होगा, दैट मीन्स 5 सिक्स आ 30 और 5 टू आ 5 फाइव आ, ठीक है। फिर किस होगा, फिर से 5 होगा, दैट इज 5 वन आ 5 5 टू आ 5 फाइव आ, ठीक है। फिर होगा 5 से 5 टू आ 5 फाइव आ, फिर से होगा 5 से 5 5 आ 25, फिर से होगा दैट मीन्स 5 वन आ 5, दैट मीन्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑफ 3125, वो क्या है, वो है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और एक 5 है, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 5 रेज पावर 5, ठीक है। ये किस फॉर्म में आएगा, 5 रेज पावर 5, दैट मीन्स 5 रेज पावर m के फॉर्म में आया, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2 रेज पावर 0 एंड 5 रेज पावर 5, या है ना 2 रेज पावर m 5 रेज पावर n के फॉर्म में आप, ठीक है। दैट मीन जो ये नंबर है ये टर्मिनेट होता है, ठीक है। दैट मीन आप लिखोगे ये नंबर इट इज ऑफ द फॉर्म द डेसिमल एक्सपेंशन, या इट इज ऑफ द फॉर्म इट इज ऑफ द फॉर्म टू रेज पावर एन फाइव रेज पावर एम, देयर फोर, फिर लिखो यहाँ देयर फोर इट टर्मिनेट्स, ठीक है, ये टर्मिनेट्स होगा। आप और एक बात याद रखो, अगर आपको यहाँ ऐसे भी आएगा, मैं आपको यहाँ और एक पॉइंट बोलूंगा, सुनो। अब अगर यहाँ 2 रेज पावर n नहीं आया, दैट आपको सिर्फ आया 5 रेज पावर m, ठीक है, तब भी वो क्या है, टर्मिनेट्स होगा, क्योंकि आप लिख सकते हो उसको 2 रेज पावर 0 के बराबर, 2 रेज पावर 0 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 रेज पावर 0 तो 1 के बराबर आता है, दैट मींस आप अगर आपको आएगा 2 रेज 5 रेज पावर m ही, वो भी फिर होगा टर्मिनेट, या आपको अगर आएगा 2 रेज पावर n ही 5 का कुछ फैक्टर नहीं आएगा, दैट मींस फिर भी वो टर्मिनेट होता होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम एग्जांपल इसमें वैसे हुआ, यहाँ सिर्फ 5 रेज पावर m ही है, 2 रेज पावर
एन नहीं आया, दैट मीन्स जो आप इसको लिख सकते हो मल्टीप्लाई टू रेस पावर जीरो, क्योंकि टू रेस पावर जीरो होता है वन, दैट आप मल्टीप्लाई वन की से कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल्स टू 17/18, ठीक है, 17/8, 17/8। आपको क्या करना है, आपको डिनोमीटर देखना है, आप डिनोमीटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 8 की, वो क्या आएगा 2 4s, 2 2s, 2 1s, दैट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 वो क्या है 2 × 2, 2, ठीक है। आप इसको लिखो 2 पावर 3, दैट मींस ये आपको आएगा 2 रेज पावर n, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 रेज पावर 0 भी, या नहीं भी लिखोगे फिर भी ये डिवाइड इसको करेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो ये नंबर है इट इज ऑफ द फॉर्म द गिवन नंबर, नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m, हेंस या देयरफॉर इट टर्मिनेट्स ठीक है, ये फिर टर्मिनेट होगा। ऐसी और भी एग्जांपल, एक एग्जांपल थ्री, एग्जांपल थ्री क्या है 64/455, ये भी हम करेंगे 64/455। यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आपने इससे पहले एग्जांपल देखी उसको ऊपर भी प्राइम था, ठीक है, और नीचे फिर आपने डिनोमिनेटर देखा। यहाँ आप ऐसे भी हो सकते हैं कि ऊपर कुछ फैक्टर आए और जो नीचे भी फैक्टर आए वो कैंसिल होगा, मे बी फिर बन जाएगा 2 रेज पावर 5 रेज पावर n, ठीक है। दैट मीन्स आप यहाँ करोगे काम, रिस्क में नहीं डालना है खुद को, आप ऊपर को भी जो 64 है इसको भी प्राइम फैक्टर करोगे और नीचे भी करोगे, ठीक है। दैट आप करोगे पहले प्राइम फैक्टर 64, वो क्या है 2 3s, 6s, 2 2s, 4 2 1s, 2 6s, 2 4s, 2 8s, 2 4s, 2 2s, 2 1s, ठीक है। दैट मीन्स जो 64 को आएगा वो आएगा 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 2 2, ठीक है, ये आएगा 64, दैट मीन्स 2 रेज पावर 6। और आप करोगे 455 को भी, मैं यहाँ लिखूंगा ये 455, 5 से होगा दैट मीन्स 5 9s, 5 1s, फिर किससे होगा, फिर 7 से होगा दैट मीन्स 7 1s, 7 7 3s, फिर 13 1s, दैट मीन्स 455 को आप लिख सकते हो 5 × 7 × 13। दैट मीन्स जो यहाँ ये है, दैट मीन्स ये नहीं आया जो 455 है, ये 2 रेज 5 5 तो आया, ठीक है, मगर इसको 2 का फैक्टर नहीं है, और जिसको जो और एक फैक्टर आएगी वो क्या है, इसको 7 और 13 इसको एक्स्ट्रा फैक्टर आए, दैट मीन्स ये इस फॉर्म में नहीं है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 2 और 5 में, ठीक है, मगर आपको यहाँ 7 भी आए 13 में, दैट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होता है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। आप इसको लिखोगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m, देयरफॉर इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, हेंस इट इज रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, बाकी जो पार्ट्स हैं उसको करोगे आप, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। अब आप अभी तक आप क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं ये टर्मिनेट होता है यार, नॉन टर्मिनेट है क्या है। अब आपको क्या करना है काम, आप जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन देंगे जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती होगी उनको अब आपको क्या करना है, उसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, दैट आपको उनको लिखना है पॉइंट्स में, डेसिमल्स में कि वैल्यू क्या है उसका। या क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 को वो क्या आएगा, वो भी टर्मिनेट आता है, आया ना हमें, दैट वो टर्मिनेट है, दैट आप 13/3125 इसको आप क्या करोगे काम, इसको आपको लिखना है आप डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने अभी इसको किया है 3125 को प्राइम फैक्टर, वो क्या आएगा 5 रेज पावर 5 आया था,
दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 13/5। देखो आपको क्या काम करना है, आपको इसको डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है विदाउट लॉन्ग डिविजन, ठीक है। आप तभी वो कर सकते हो जब आपको डिनोमिनेटर में 10 आएगा, 10 रेज पावर क्या है कुछ आएगा, जीरोज में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ आता है 3/10, आप उसको आराम से बोल सकते हो कि ये 0.3 है। आप कैसे बोल रहे हो 0.3, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर 10 है। आप क्या करते हो काम, आप जो जीरो हैं जितने जीरोज होंगे उतने बाद आपको पॉइंट डालते हो, यहाँ जीरो एक है दैट एक प्लेस के बाद आप पॉइंट डालते हो, यहाँ ऐसी आपको 6/100 है, 100, ठीक है। आप क्या करते हो काम, आप यहाँ 6 यहाँ 2 जीरो डिनोमिनेटर में, तो आप करते हो काम दो प्लेसेस के बाद आप जीरो डालते हो, पॉइंट डालते हो, दैट मीन्स आप क्या करते हो 0 6 है फिर इसके बाद 0 एंड पॉइंट फिर 0, तो दो प्लेस के बाद पॉइंट आता है, ठीक है। जो दैट में जब आपको डिनोमिनेटर में आता है 10 फॉर्म में कुछ 10 या 10 रेज पावर 2 या कुछ आता है, तब ही आप विदाउट मतलब कैलकुलेट करने के बगैर ही आप बोलते हो इसका पॉइंट में क्या वैल्यू क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। दैट मीन्स ऐसे इन क्वेश्चन को आपको किसी भी तरह आपको डिनोमिनेटर में लाना है 10 रेज पावर कुछ 10 के फॉर्म में आपको लाना है, दैट आपको 2/5 के फॉर्म में लाना है, ठीक है। 5 के फॉर्म में आपने लाया 5 फॉर्म में आपके लाए 5 पावर 5, ठीक है। दैट मीन्स आपको उसको 2 भी आना चाहिए ना, दे भी आपको 5 और 2 वो भी 10 आया है, दैट मीन्स आपको 2 से आपको मल्टीपल करना है, दैट मीन्स आप उसको करोगे मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई 2, मगर आप सीधे ही 2 नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ 5 है, दैट मीन्स जो यहाँ पावर है वही आपको इसको भी 2 को भी पावर रखना है, दैट मीन्स आप करोगे इसको मल्टीप्लाई 2^5। अब अगर फिर से काटोगे ये कट जाएगा, दैट मीन्स को 1 आएगा, दैट ये फिर से अपना ये नंबर वापस आएगा, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको कर लिख सकते हो आप 13/2^5/5 आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि इसको भी पावर 5 है, इसको भी पावर 5, इसको एक ही पावर रखोगे सेम पावर। देखो अब अगर आप करते काम आप डिफरेंट पावर रखते हैं तो दैट मीन्स आप यहाँ नहीं कर सकते ना ये फिर, ठीक है। दैट आप इसीलिए आपको सेम पावर रखना है, जो इस 5 को हो गया पावर आप वही इस 2 को भी रखना है पावर। दैट मीन्स ये आएगा आप 13/2^5 कितना होता है 32/5/2 10^5, ठीक है। दैट मीन्स ये ऊपर आप कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा, ये आएगा शायद 4416। अब ये देखोगे 416 डिवाइड बाई 10^5, दैट मीन्स आपको 10 फिर 50 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। दैट मीन्स आपको 5 प्लेसेस के बाद आपको डेसिमल डालना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है पॉइंट डालना है फिर इसके साइड में 5 डालना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 आप प्लेस रखना है 0.5। अब कैसे फिल करोगे दैट में, आपको पहले करोगे काम ये 6 हो गया, इसे 6 फिर 1 फिर 4, ठीक है। फिर आपको और 2 भरने, वो तो यहाँ नहीं है, दैट आप उसको बदले 0 0, दैट में जो आपको नंबर आया 0.00416 आपको नंबर है, ठीक है। ऐसे ये बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, या क्वेश्चन नंबर सेकंड या क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप वैसे ही सेम ये क्वेश्चंस ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब आप इसके बाद आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस लेने, सारे क्वेश्चन नहीं लेने, सिर्फ वही क्वेश्चंस लेने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट होते होंगे, दैट मीन जिनका डिनोमिनेटर आता होगा 2^n 5^n के फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद आप करोगे काम, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, the following real numbers have decimal expression as below, that means जो हमारे पास नीचे real numbers है, real numbers में क्या आता है, में both numbers आते हैं, एक तो rational numbers भी आते हैं और तो irrational numbers भी आते हैं। that means आपको करना है काम और आप बोलना है ये rational है irrational है, अगर ये rational होगा that means आपको बताना है जो क्यों होगा उसके उसके बारे में आप क्या कह सकते हो, दैट मीन्स अगर ये रैशनल नंबर होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, दैट मीन्स आपको जो क्यू है डिनोमिनेटर आपको उसके बारे में कहना है कि वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है। हम एक फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो 4 3.12345678 ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है हमारा। ये जो नंबर है इसकी डिसिमल है, डिसिमल के बाद ये खत्म होता है 8 पे, एक कुछ डेसिमल की प्लेसेस के बाद खत्म होता है, ठीक है। आफ्टर 8 डेसिमल प्लेस खत्म हो, दैट मीन ये क्या नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। इसीलिए देखता है रेशनल नंबर है, दैट मीन अगर रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे इसको डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन इज
डिस्ट ब्लैक में ये टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेटस, ठीक है, ये टर्मिनेट होता है, ठीक है। अरे टर्मिनेट होता है दैट मीन्स आप इसको क्या करते हैं, आप इसको फिर लिख सकते हो दैट, ये तो रेशनल नंबर है, अरे टर्मिनेट होता है दैट मीन्स इट इज देयर फॉर इट इज ए रेशनल नंबर। दैट मीन्स ये फिर क्या है, ये रेशनल नंबर है, अरे रेशनल नंबर है दैट, ये किस फॉर्म, ये फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, फिर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म है तो आपको फिर कहना है, अगर रैशनल नंबर होगा तो क्यू के बारे में आपको क्या कहना है, दैट्स आपको बताना है क्यू फिर किस फॉर्म में होगा। ये टर्मिनेट होता है, आपको पता है जब कोई नंबर टर्मिनेट होगा तो फिर उसको जो डिनोमिनेटर होता है, जो क्यू होता है, वो होता है टू रेज पावर एंड फाइव रेज पावर एन, देयर फोर आप फिर लिखोगे या देयर फोर क्यू इज ऑफ द फॉर्म टू रेज पावर एन फाइव रेज पावर एम, ठीक है। दैट मीन्स जी क्यू के फैक्टर्स होंगे, दैट आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर फैक्टर्स ऑफ क्यू आर, प्राइम फैक्टर्स क्यू क्या होंगे, या तो टू रेज पावर एन होगा और या टू रेज फाइव रेज पावर एम होगा, और या क्या होगा, या टू रेज पावर एन फाइव रेज पावर एम, ठीक है। हुआ ये क्वेश्चन, आपको बोलना था ये कौन सा नंबर, कौन सा नंबर है, आपने बोला ये रैशनल नंबर है, ठीक है, और आपको बोलना था क्यू के बारे में आपको क्या कहना है, क्यू किस फॉर्म में होगा, आपने बोला वो टू रेज पावर एन फाइव रेज पावर एम के बराबर होगा, और जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे टू रेज पावर एन या फाइव रेज पावर एम या टू रेज पावर एन फाइव रेज पावर एन, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप करोगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.120 फिर 1200 फिर 1200, दैट मीन्स ये सेम नहीं आ रहा है, ये रिपीट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एक 120 फिर 1200 है, दैट मीन्स को एक ही रिदम, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई पैटर्न नहीं बनता, क्योंकि 12 फिर 12 या 120 120 120 नहीं, दैट मीन्स को एक एक जीरो ऐड होता है, दैट मीन्स ये रिपीट रिपीट नहीं होता है। दैट मीन्स जब ये रिपीट नहीं होता है दैट मीन्स ये फिर क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको कंटिन्यू डॉट डॉट है ना, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो नॉन टर्मिनेट दैट मीन्स ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। पार्ट टू इसको क्या लिखो गया, द डेसिमल एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन इज नॉ रिपीटिंग या नॉ टर्मिनेटिंग, आप ऐसे लिख सकते हो, नीदर रिपीटिंग या नीदर टर्मिनेटिंग, नॉर रिपीट है, इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है, फिर ये इरेशनल नंबर है, आपको फिर इतना ही बताया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर बार है, इस बार का मतलब क्या है, दैट मीन्स ये जो नंबर है फिर नीचे ये फिर रिपीट होता है, दैट मीन्स ये आएगा 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे चला है, दैट आपको फर्स्ट ऐसे होगा 3.3 बार, दैट मीन्स ये फिर नंबर है 3.33333, ठीक है, 333 ऐसी है, 333 कंटिन्यू खत्म नहीं होता है, दैट में जो ये नंबर है एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो नॉन टर्मिनेट है, और जो ये नंबर है ये रिपीट होता है, दैट इसको बार है दैट ये रिपीट होता है, दैट ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसको लिखोगे क्या है नंबर, पार्ट 3 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके ऊपर बार है, आप लिखोगे द डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या है, एक तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इज नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होता है, एक तो टर्मिनेट नहीं होता है बट रिपीटिंग है, रिपीट होता है बट रिपीटिंग, ठीक है। देयरफोर ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, देयरफोर
इट इज रैशनल नंबर। अरे रैशनल नंबर है तो फिर किस फॉर्म में होगा, फिर होगा पी बाई क्यू के फॉर्म है, तो आपको फिर बताना है क्यों क्यों किस फॉर्म में होगा। मैंने आपको उसी टाइम बोला जब आर आपको कोई रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेट होता होगा, दैट मीन वो इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्यों होगा, वो टू रेज पावर एंड फाइव रेज पावर एम के बराबर होगा। अब अगर ये टू रेज पावर एंड फाइव रेज पावर एम नहीं होगा, दैट मीन जो नंबर होगा वो टर्मिनेट नहीं होता होगा और वो रिपीट होता होगा, ठीक है। दैट आप इसको बोलोगे जो डिनोमिनेटर है देयरफॉर इट इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, पी बाई क्यू फॉर्म है, वायर जो क्यू होगा, वायर क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू रेज पावर एन फाइव रेज पावर, ठीक है। इसी के साथ ये खत्म हुआ ये एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके एक तो एक्सरसाइज भी खत्म हुई अब और ये चैप्टर भी खत्म हुई। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो थैंक यू।